Hi everyone, this is Priyanka and welcome back to another video by Virix.com. This is gonna be an extremely informative video for people who are planning to invest in Noida, chahe wo commercial ho ya fir residential ho. Right now I'm standing at Yamuna Expressway. As you can see the boat, yahan se aapko bahut achhi connectivity mil jati hai Jewar Airport ki, which is only 38 kilometers from here, upcoming Jewar Airport. उसके बारे में भी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी सिटी से भी ये कनेक्ट करता है, बी इट आगरा, अलीगढ़ एंड मच मोर. वेल, यमुना एक्सप्रेसवे इज द न्यू संगम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करने वाला है हमारे ग्रेटर नोएडा को ताज से, हरियाणा से और इवन पंजाब. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट फॉर YXP. अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत कुछ आगे होने वाला है. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज वी आर गोना टेल यू ऑल अबाउट दिस फैसिलिटी, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट के बारे में डिटेल कॉन्वर्सेशन हो या फिर यहाँ के स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट हो, फॉर टैक्सीज के बारे में एज वेल. सो बहुत कुछ है, लेट्स जस्ट कंटिन्यू एंड नाउ आई विल टेक यू टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू. I'm standing right outside Udha International Circuit, very close to Yamuna Expressway, which is just 5 minutes away, I would say. Apart from this, this is the major and also one of the biggest attractions in YXP. Just because of Buddha International Circuit, बहुत अच्छी footfall है. But I'm sure all of those who are already aware, उनको तो पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं that यहाँ पर इंडिया में पहली बार MotoGP का डेब्यू हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर मोर देन 1 लाख का फुटफॉल था. यमुना अथॉरिटीज आर ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग बैक Formula 1. सो आई एम श्योर ऑल ऑफ द पीपल हु आर आउट देयर लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट, दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू अपॉर्चुनिटी टू विजिट हियर एंड एक्सपीरियंस द ग्रैंडियर देमसेल्फ. वेल, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स ग्राउंड, यमुना एक्सप्रेसवे ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज. तो अब वहां चलते हैं. वेल, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. ये लाइन से सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी हो. हमें सिर्फ 5 मिनट लगे फ्रॉम बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से यहाँ तक आने में, यहाँ तक कि यमुना एक्सप्रेस से भी ये सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है. बहुत ही अमेजिंग एरिया है व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स. और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं YXP पर जो कि इस पूरी विसिनिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, चाहे वो बच्चों के लिए भी है, बट अगर आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर आपको यहाँ रहना है या फिर आपको इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से अगर हम सोचें तो यूनिवर्सिटीज का, स्कूल्स का होना इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटीज यहाँ पे क्राउड भी बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा क्राउड आ रहा है बच्चों का, साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियोज में. सो फर्स्ट वील एक्सप्लोर ऑल द यूनिवर्सिटीज, वील शो यू ऑल ऑफ देम एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू शो यू ऑल द स्कूल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस विसिनिटी. एंड वेल, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग क्लोज टू जेवर एयरपोर्ट. यहाँ से रास्ता शुरू हो जाता है विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन 24/7. बहुत ही जल्द फर्स्ट फेज लॉन्च हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट का बाय मार्च 2024. टोटल 4 फेज होने वाले हैं. फर्स्ट फेज में आपके 2 रनवे बनेंगे जो कि ईयरली 1.2 crore पैसेंजर्स को सर्व करेगा. दैट इज मैसिव. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट. वेल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की वजह से एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट होंगे वी आर रोड्स एंड रेलवे. उसके साथ ही साथ कस्टम क्लियरेंस की भी आपको फैसिलिटी मिलेगी. ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन अगर हम टॉय पार्क की बात करें तो उसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाली है. इट्स स्प्रेड अक्रॉस ऑन 100 acres ऑफ लैंड. बहुत बड़ा लैंड जो है वो कवर होने वाला है इन दोनों ही सेक्टर्स की वजह से. तो यहाँ पर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, तीनों का ही कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप हो रहा है. दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी क्योंकि यहाँ पर सारे ही सेक्टर बहुत ही अच्छी स्पीड से डेवलप हो रहे हैं. विद सो मच डेवलपमेंट हैपनिंग इन यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पर कई कंपनीज एस्टैब्लिश होने वाली हैं, जिसकी वजह से जॉब एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अगर हम कंपनीज की बात करें देन LG, Vivo जैसी कंपनीज यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही हैं. उसके साथ ही साथ रिटेल चेन्स जैसे कि बीकानेर वाला और पतंजलि भी यहाँ आ रहा है. और अगर हम MNCs की बात करें देन यहाँ पर आने वाली हैं बिग ब्रांड्स लाइक Samsung, Microsoft एंड इवन HCL. सो जॉब्स की यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं होने वाली. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ACE इज ऑल्सो कमिंग इन यमुना एक्सप्रेस वे. सो बी इट एनीथिंग, चाहे वो जेवर हो, हमारा कमर्शियल सेक्टर हो, डेवलपमेंट हो, रेजिडेंशियल की डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एवरीथिंग इज राइजिंग हियर एट इट्स ओन पीक. वेल, इन सभी के साथ ही साथ मल्टी करोड़ फिल्म सिटी भी यहाँ पर डेवलप होने वाली है, जो कि 1000 acres में स्प्रेड होगी राइट इन यमुना एक्सप्रेसवे. वेल, अकॉर्डिंग टू 2041 मास्टर प्लान, जेवर एयरपोर्ट की वजह से उसकी सराउंडिंग में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, जहाँ
यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रोपोलिस और उसके साथ साथ ओलंपिक सिटी की भी, उसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के सिमिलर ग्राउंड्स पे हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड क्लास बिजनेस जोन भी बनने वाला है। सो दिस इज समथिंग विच इज मेकिंग श्योर जेवर एयरपोर्ट की वजह से कि सराउंडिंग जो है वो सारी वेल डेवलप्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, यमुना एक्सप्रेस वे पे आपको सब कुछ मिले। सो ऑल द इन्वेस्टर्स आउट देयर, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस एरिया यू आर वॉचिंग। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू ऑल्सो नीड टू शेयर इट विद पीपल इफ यू नो दैम हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेस वे। वेल, अब बात करते हैं कि गुड़गांव और नोएडा में ऐसा क्या डिफरेंस है कि व्हाई वी आर एनकरेजिंग ऑल द व्यूअर्स आउट देयर टू इन्वेस्ट राइट हियर क्लोज टू यमुना एक्सप्रेसवे। व्हाई? बिकॉज एयरपोर्ट जो है हमारा IGI एयरपोर्ट, वो हमारा गुड़गांव में और दिल्ली को कनेक्ट करता है, बट उसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर जयवर एयरपोर्ट आ रहा है, जो इतनी सारी वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट आ रहा है हर सेक्टर में, यहाँ के प्राइसेस लिटरली विद इन फ्यू ईयर्स डबल हो जाएंगे। गुड़गांव में ऑलरेडी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग देयर राइट नाउ आपको शायद इतना अप्रेजल ना मिले, बट इफ़ यू इन्वेस्ट हियर द अप्रेजल इज लिटरली गोना टच द हाइट। सो इन्वेस्टिंग हियर इज द राइट टाइम, इन्वेस्टिंग हियर इज द राइट ऑप्शन एज वेल एट द सेम टाइम। नोएडा की रोड्स 100% बेटर हैं गुड़गांव से, उसके साथ ही साथ यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। मेट्रो दिल्ली से भी कनेक्ट करेगी, मेट्रो आपको जयवर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करेगी। अगर आपको जयवर एयरपोर्ट से IGI एयरपोर्ट जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बहुत सारी नई तरीके की डेवलपमेंट आ रही है यहाँ पे, मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया ही है। पॉड टैक्सी का जो है नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बहुत कुछ है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन द डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग क्लोज टू यमुना एक्सप्रेस वे। सो इफ यूर समबडी हू वांट्स टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये गुड न्यूज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट एस इज ऑल्सो कमिंग टू यमुना एक्सप्रेस वे। सो ये डेवलपमेंट जो हो रही है, अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमेशा की तरह हमारा जो नंबर है वो मेंशन है नीचे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट।